ऑनियन जूस हमारे हेयर्स के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये बात हम सब जानते हैं। ये एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, सल्फर की बहुत प्रचुर मात्रा इसके अंदर होती है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर आपको अपने हेयर्स में वॉल्यूम को ऐड करना है, या फिर आपको अपने प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को ब्लैक बनाना है, उसके साथ साथ अगर आपको अपने स्कैल्प पे हेयर की रीग्रोथ करनी है, तो मेरा आप लोगों से वादा रहा, अगर आप सिर्फ अकेला ओनियन जूस वीक में 2 बार लगाएंगे, 1 बार भी लगाएंगे चलेगा, लगाएंगे ना तो आपके हेयर्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सिंपल सीधे आसान शब्दों में हम बोलते हैं ना कि काले घने लंबे सिल्की साइनी स्मूथ बाल, आपका जो ये सपना है ना हेयर्स को लेके, ये सपना आपका डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको ईमानदारी से लगातार आपको अनियन जूस अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है, और इसके साथ साथ आपको लेने हैं अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छा खाना खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर आप साथ के साथ ऐसा करेंगे तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात बन जाएगी, आपको और ज़्यादा और तेज़ी से अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ओनियन हमारे हेयर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा ओनियन हमें लगाना चाहिए अपने हेयर्स पे। लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा ओनियन बेस्ट है, वही कन्फ्यूजन आज मैं आप लोगों की दूर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए देखने के बाद, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, शेयर पक्का कीजिएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चली हुई है कि कौन सा ओनियन लगाना है, कौन सा अच्छा है। हर रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, इसीलिए मैं आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का मार्केट वीडियो। 3 तरह के ओनियन आते हैं भाई, मैंने तो 3 तरह के ही यूज किए हैं। अगर आपको पता है कि 5 तरह के आते हैं, 6 तरह के आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कितने तरह के ओनियन आते हैं। अब मैंने 3 देखे हैं तो मैं 3 के बारे में ही आपको बता सकती हूँ, अच्छे से बता सकती हूँ। 3 को मैंने यूज किया है और जिसका रिजल्ट मेरे लिए अच्छा रहा है, वही रिजल्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहला जो ओनियन है वो है वाइट वाला अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं। सेकेंड है ये हल्का रेड, थर्ड है ये प्योर पूरा का पूरा रेड। 3 तरह के ओनियन आते हैं, मैंने 3 तरह के देखे हैं। अब जो हमारा 3rd नंबर पे है वो है वाइट वाला ओनियन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सल्फर की कम मात्रा होती है, उतनी ज़्यादा मात्रा उसके अंदर नहीं होती। जितना ज़्यादा प्याज वाइट रहेगा उतने ही कम उसके अंदर सल्फर की मात्रा होगी। तो बेनिफिशियल तो है आपके हेयर्स के लिए वो वाइट वाला प्याज, लेकिन उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितना ज़्यादा होना चाहिए। 2nd नंबर पे है हल्के वाला रेड, इसमें वाइट से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा सल्फर की होती है, तो वाइट से ज़्यादा बेनिफिशियल है ये आपके हेयर्स के लिए। अगर आपको ये वाला ओनियन मिल जाता है, मार्केट में मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप ये वाला ओनियन आप लगा सकते हैं। और जो 1st नंबर पे है, आप समझ गए हैं कि 1st नंबर पे कौन सा है। 1st नंबर पे है ये वाला रेड ओनियन। मैंने आपको ओनियन का एक ऑयल भी बताया था, अगर आपको याद हो, वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको प्याज की स्मेल से एलर्जी है तो आप वो वाला ओनियन ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ रेड ओनियन ही लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि रेड ओनियन में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है, बहुत ज़्यादा, जो आपकी मृत कोशिकाओं को, स्कैल्प की जो मृत कोशिकाएं हैं, जो डेड हो गई हैं, उनको रिकवर करता है, नई कोशिकाओं को बनाता है, ताकि आपके हेयर्स अच्छे बने, हेयर्स की ग्रोथ हो, आपके हेयर ब्लैक बने। तो डेफिनेटली ये वाला जो ओनियन है रेड ओनियन, ये आपके हेयर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब आप उदास हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे कि अरे यार मेरे पास तो रेड ओनियन भी नहीं है, हल्के वाला रेड भी नहीं है, मेरे पास तो वाइट ओनियन है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ओनियन जूस लगा रहे हैं ना, चाहे आप वाइट लगाएं, चाहे आप हल्के वाला रेड लगाएं, या फिर आप प्योर रेड लगाएं, मैंने 3 में से बेस्ट बताया है वो है ये। 3 के 3 ही बेस्ट हैं। लेकिन एक ये होता है ना कि हम करते हैं कि 1st पोजीशन, 2nd और 3rd।
फर्स्ट ये है, लेकिन पोजीशन तो है ना उसकी भी। डेफिनेटली आप तीनों में से जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो, जो भी आपके पास हो, आप लगा सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। लेकिन इससे थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन मिलने वाला तो है ना। अगर ये 1 महीने में असर दिखाएगा तो वो आपको 2 महीने में ज़्यादा असर दिखाएगा, बस फर्क इतना सा है। अगर आप लगाएंगे लगातार डेफिनेटली उस वाले अनियन को भी, तो वो भी असर ही दिखाएगा। लेकिन अगर आपको आसानी से ये वाला रेड ओनियन मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं, ये आपको 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखा देगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने आपका जो कन्फ्यूजन था वो सोल्व कर दिया होगा। अब आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि मेरे हेयर्स के लिए कौन सा ओनियन ज़्यादा बेस्ट है। ये थी आज की वीडियो। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ हेल्दी खाना है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, अच्छा अच्छा सोचना है, जिनकी मदद करनी चाहिए हमें उन लोगों की मदद करनी है, ताकि हमें अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी मिले और हम एक और भी ज़्यादा अच्छे बेहतर इंसान बन सके। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको एक और अच्छे से प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। Bye-bye.